अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ खजूरों वाले चावल। ये इसमें सिर्फ एक नमक ऑयल जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, और ऊपर हम खजूर डालेंगे। चले हम स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। इसमें हम पहले ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच। बस तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी का उबाला आ जाए फिर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये इसमें सिर्फ तेल को गर्म करना पड़ता है, फिर पानी डालते उबाला आता है, फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। पानी हमारा उबल गया है, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी। इसमें मैं चावल डालूंगी। चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं और बस इसके अभी पकाएंगे 5 से 10 मिनट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी देखो इसका पानी बिल्कुल हल्का सा रह गया, इसको मैं दम पे लगाऊंगी और 5-10 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ। 5 मिनट के दम के बाद मैं इसमें ये खजूर डालूंगी सारे। ये देखो इसमें मैंने खजूर डाल दिए सारे। इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर डिश आउट करूंगी। 5 मिनट के बाद हमारे देखो खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये हैं हमारे खजूर वाले चावल। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, स्पेशली सहरी के टाइम खाए, वैसे खा ले। इसके ऊपर आप सेब का मरवा भी डाल सकते हो, मगर खजूर के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है ये। ये देखें हमारे खजूर वाले चावल, ये बहुत, आप लोग भी लाजमी ट्राई करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।